रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन के दिसंबर वादा देख रहे हैं 6400 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 6589 का हाई लगा चुका है, 1% की तेजी है। रूपा जी सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि बिकवाली भी देखने को मिली है, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी गिरावट भी आई है और वहीं से अब साउथ अमेरिका से खबर निकल के सामने आई है कि वहां पर इस बार ज्यादा बारिश देखने को मिली है, जो कि सोयाबीन की बुआई को कहीं ना कहीं सपोर्ट देती नजर आ सकती है। और अगर वो आंकड़ा अच्छा निकल जाता है तो जो ग्लोबल सप्लाईज होंगी सोयाबीन को और जो यूएस के जो एक्सपोर्ट्स होंगे उनमें कुछ सहारा मिल सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में और अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन का बाजार हाजिर और वायदा दोनों में कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए अभी आने वाले दिनों में अगर सोयाबीन की बात करें तो पॉजिटिवनेस जो बनी थी एडिबल ऑयल पैक के अंदर जो तेजी बनती हुई दिखाई दी थी वो सबसे ज्यादा हमें सोयाबीन में ही आती हुई दिखाई दी थी। अगर देखा जाए एडिबल ऑयल में इतना ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बना था क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कम बताया जा रहा था, और अगर अब सोइंग बढ़ती है और प्रोडक्शन अच्छा निकल कर आता है तो डेफिनेटली आगे चल के कीमतों पर दबाव बन सकता है अगर एक्सपोर्ट प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलती है और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कम रहता है तो डेफिनेटली इसके अंदर तेजी बनती हुई दिखाई देगी। और अभी जहां तक का सिनेरियो की बात है अभी फिलहाल बाजार पॉजिटिव ही है, अभी कोई बहुत ज्यादा ऐसी अपडेट्स नहीं है कि बाजार जो है वो लुढ़कते हुए दिखाई देंगे। अभी सोयाबीन जो है वो जनवरी वायदा की अगर बात करें तो 6000 से लेकर ऊपर में 6500 तक की फिलहाल रेंज पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि 6000 के आसपास जो है वहां पर वापस से बाइंग इंटैक्ट होती है और ऊपर में 6500 के आसपास प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई देते हैं, तो ये टेक्निकली एक रेंज बन चुका है। तो अभी भी फिलहाल मार्केट उसी दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और जनवरी वायदा मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 6500 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है।